student. I am Smriti, your EVS teacher. Today I am going to explain question answer of chapter 22, The World in My Home. That means, Duniya Mere Ghar Mein. Okay. Let's see, first question. In your home, who settles quarrel? Aapke ghar mein jhagda kaun suljata hai? Answer, we ourselves settle quarrels. Hum log khud jhagda sulja lete hain. Next question, do you think that there should be different rules for girls and boys, women and men? क्या लड़का लड़की और आदमी औरत के लिए अलग अलग नियम होने चाहिए? Answer, no. Rules should be the same for girls and boys, women and men. नहीं, नियम लड़के लड़कियों और आदमी औरत के लिए सेम होना चाहिए. Next question, what would the children have thought if pillow auntie had paid less money to the kulfi seller? What do you think about this? अगर पिलो मामी कम पैसे देकर वहाँ से चली जाती हैं तो बच्चे इस बारे में क्या सोचेंगे और तुम इस बारे में क्या सोचते हो? Answer, children would have thought that pillow auntie was dishonest. चिल्ड्रन सोचेंगे कि पिलो आंटी बेईमान है. आई टू थिंक सो. और मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज अक्षय कन्फ्यूज? अक्षय उलझन में क्यों पड़ गया? आंसर, अक्षय वॉज कन्फ्यूज बिकॉज हिज ग्रैंड मदर हैड फॉरबिड हिम टू ड्रिंक एंड ईट एनी थिंग फॉर अनिल्स हाउस. अक्षय उलझन में पड़ गया क्योंकि उसकी दादी माँ उसे मना की थी कि वे अनिल के घर का ना कुछ खाएगा और ना कुछ पिएगा. इसलिए अक्षय कंफ्यूज हो गया, उलझन में पड़ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू एग्री विद अक्षय ग्रैंड मदर? क्या तुम अक्षय की दादी माँ से सहमत हो? आंसर, नो. आई डोंट एग्री विद अक्षय ग्रैंड मदर. मैं अक्षय की ग्रैंड मदर से सहमत नहीं हूँ. नाउ अनदर क्वेश्चन, हु टेक्स इम्पॉर्टेंट डिसीजंस इन योर फैमिली? व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? तुम्हारे घर में जरूरी फैसले कौन लेता है और तुम्हें इस बारे में कैसा लगता है? आंसर, यूजुअली माय पेरेंट्स टेक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस इन माय फैमिली ज्वाइंटली. आमतौर पर संयुक्त रूप से मेरे माता पिता इम्पॉर्टेंट डिसीजन महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं. आई फील दे आर राइट. और मैं ये सोचती हूँ कि वे सही हैं. नेक्स्ट, इफ यू वर टू राइट ए डिफरेंट एंडिंग फॉर द स्टोरी ऑफ पीलो आंटी, हाउ विल यू एंड इट? तुम पीलो आंटी की स्टोरी को एक अलग तरीके से एंड करने हैं तो अपनी कल्पना से इस कहानी को अंत बताकर आपको लिखने हैं. आंसर, कुल्फी सेलर बिकेम टू मच हैप्पी. कुल्फी सेलर बहुत ज़्यादा खुश हुआ एंड ऑफर्ड वन कुल्फी एज गिफ्ट, और एक कुल्फी गिफ्ट के रूप में ऑफर किया दिया. बट पीलो आंटी डिड नॉट एक्सेप्ट द गिफ्ट. पर पीलो आंटी ने गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं किया. ओके, एवरी वन मस्ट रिमेंबर एंड राइट क्वेश्चन आंसर. दैट्स इट. थैंक यू.